हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस आप सभी को। आप सभी ने कैसे मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने जो भी किया था वो आपके सामने है। ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा ताकि आपको पता लग सके कि मैंने क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, बच्चों की खुशी के लिए बस थोड़ा सा मैंने सेलिब्रेट किया है। कुछ भी मतलब हल्का फुल्का ही किया है, क्योंकि आप बच्चों को जानते ही हो कि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी सबसे पहले होती है। तो बच्चों की खुशी के लिए ही मैंने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था। तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी आज क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस आप सभी को। तो अभी देखिए हाल जाओ, तो अभी देखिए छवि के लिए गया रुपये बर्फी लेने के लिए। और ये क्या, तो अभी दिखाती हूँ आपको एक मिनट आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मेरा मन नहीं था बनाने का, पर रुपेश भाई बोल रहे थे छवि वो लाइट जला दो, वहाँ का दरवाजा खोल दो। तो मेरा मन नहीं था। रुपेश सामान कहाँ रख रखे हो, सामान दो दिखाएं। तो मेरा मन नहीं था आज कुछ भी सेलिब्रेट करने का, पर रुपेश बोल रहा था कि आप कुछ भी नहीं करती हो, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हो। तो आप लोग हम कमेंट में बताइएगा क्या मैं अच्छा नहीं बनाती हूँ। और रुपेश हमेशा बोलेगा कुछ भी अच्छा नहीं आप बनाती हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि आज मैं वो क्या कहते हैं ब्रेड का पिज्जा वो बनाऊंगी। और बोल रही थी मीठा दलिया बना दूँ, तो नहीं, इन लोग को हेल्थी चीज़ नहीं खाना है। तो दलिया की जगह मैंने सोचा है बिस्किट का केक बनाने के लिए, पार्ले जी बिस्किट का। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रुपेश क्या क्या लाया है। तो ये देखिए, ये चीज़ है, एक क्यूब मैंने मंगाया है। और ये देखिए, ये पार्ले जी बिस्किट, जो कि बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए ये पार्ले जी बिस्किट, इसका मैं बनाऊंगी केक। और ये चीज़ और ब्रेड से बनाऊंगी मैं ब्रेड पिज्जा। और मैगी मसाले से वही चटनी बनाऊंगी, मोमो वाली चटनी जो कि मैं इस ब्रेड पे लगाऊंगी। और इनो आपको पता ही है, इनो पड़ेगा केक में। अभी स्टार्ट करूंगी, अभी तो समय हो रहा है, अभी देखिए 5 बज रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने कुछ अच्छा रेसिपी भी शेयर नहीं किया है, और सारे काम मैंने कर लिए। और बस अभी मैं टहल के आई हूँ। इस टाइम हम सब लेडीज कॉलोनी पे जो है ना, वो थोड़ा टहलने जाते हैं, क्योंकि टहलना भी बहुत ज़रूरी है, आप सबको पता है। अभी चलिए छत पर चलते हैं, पहले लाते हैं सारे कपड़े उतार लेती हूँ, उसके बाद से फिर आलू बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो छत पे अंधेरा हो गया है, अभी चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे आ गई हूँ, सारे कपड़े उतार लूँगी, फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि किचन में आज बहुत सारा काम है, इसलिए कपड़ों को बस ऐसे ही ले जाके मैंने नीचे रख दिया था। और ये चाय पत्ती का जो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती निकलती है, उन्हें सुखा लिया है और अब पौधों में डाल दूंगी। पौधों के लिए ये खाद का काम करता है, बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स, आप ट्राई कर सकते हो। आप चाय पत्ती डाल के देख लेना कितना अच्छा मतलब पौधा ग्रो करता है। और काफ़ी टाइम से मैं डालना छोड़ दी थी, फिर मुझे लगा कि मुझे पौधों में डालना चाहिए। वैसे ही मैं इसे फेंक ही देती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ। तो थोड़ा सा इसे साफ कर लेना होता है, उसके बाद पौधे में डाल दीजिए, फिर आप पौधों की ग्रोथ देखिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है फिर से पौधों में चाय पत्ती डालना। तो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, सीधे कपड़े वगैरह सब मैंने ऐसे ही रख दिया है, पौधों में सारी चाय पत्ती मैंने डाल दी थी। तो अभी किचन में आ गई हूँ, किचन में आते ही सबसे पहले मैं आलू को पील कर लूँगी, क्योंकि मुझे आलू बॉयल करने के लिए रखना है। और ये नया आलू है, अगर मैं इसे धुल के रख देती ना तो छिलने में बहुत दिक्कत होता। तो मैं पहले छिल लेती हूँ, सारे आलू के ऊपर से छिलके उतार लेती हूँ, फिर मैं इसे बॉयल होने के लिए रखती हूँ। इससे दो फायदे होते हैं कि छिलने भी नहीं पड़ते हैं और जल्दी से हमारा काम भी हो जाता है। तो इधर चाय भी बन गई है, आलू उबलने के लिए रख दिया है और मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि ठंड का दिन है। तो आप जान सकते होगे कि चाय कितना ज़रूरी है, जो नहीं पीते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, बट मैं पीती हूँ तो मुझे चाय मतलब चाहिए होता है, शाम सुबह तो चाहिए होता है, बाकी टाइम मुझे मिले या ना मिले। तो चाय मैंने पी लिया है, अब आ जाती हूँ मैं सारे बिस्किट मतलब केक की तैयारी करने आ जाती हूँ। सारे बिस्किट को मैंने तोड़ लिया है, इसमें मैं बड़े चम्मच से तीन चार चम्मच मैं चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि बिस्किट तो खुद ही मीठा होता है, बस थोड़ा सा मतलब चीनी इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। चीनी भी मैंने डाल लिया है, अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो पहले ये काम कर लेती हूँ। और ये देखिए,
पाउडर बन के रेडी है बिस्किट का, और चीनी जो है ना वो भी पिस गई है। तो अभी मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी जिसमें मैं केक की तैयारी करूँगी। तो अभी मैंने सारे पाउडर को निकाल लिया है और इसमें 2 चुटकी मैं बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया है, दूध से ही मैं इसका पेस्ट तैयार करूँगी। आप चाहे तो पानी डाल सकते हो, पर मैं जब भी केक बनाती हूँ तो दूध का ही इस्तेमाल करती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इसे ढक के छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इधर मैं कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए पहले से ही रख दूंगी, 10 मिनट पहले मैंने इसको रख दिया है और हाई फ्लेम पे रखा है इसे कवर करके, ताकि जो कढ़ाई है वो अच्छी तरीके से हीट हो जाए। और इधर अभी मैं आधे घंटे हो चुके हैं मुझे पेस्ट को रखे हुए, तो अभी मैं केक टिन में बटर पेपर लगा देती हूँ नीचे साइड में। बटर पेपर लगाने से फ्रेंड्स केक बहुत आसानी से निकल जाता है। तो अभी देखिए जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर हो तो बटर आप डाल सकते हो, मेरे पास बटर नहीं था तो इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। और ये इनो है, बस मैंने आधा चम्मच से भी कम इनो लिया है, और थोड़ा सा मैंने इस पर पानी डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से इसमें मैं मिक्स कर लूँगी, हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। और अब बैटर बिल्कुल रेडी है, तो मैं इस केक टिन में इस सारे बैटर को पोर कर दूंगी और फिर इसे टैप 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 करना है ताकि जो भी एयर हो इसमें वो निकल जाए बाहर। और अभी कढ़ाई देखिए बहुत अच्छे से प्री हीट हो गया है, तो मैंने इस केक टिन को कढ़ाई के अंदर रख के इसे कवर कर दिया है और मेरा केक जो है वो बेक हो रहा है। फिर मैं आ जाती हूँ आलू चप की तैयारी करने। उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, अजवाइन लिया है, इसमें मैंने नमक हल्दी और थोड़ा सा मैंने फूड कलर इसमें डाला है, इससे जो पकौड़ी का कलर है ना काफ़ी अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो स्किप भी कर सकते हैं। और धनिया की पत्ती भी डाल के फिर इसका पेस्ट मैं तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप तैयार करिए। तो अभी देखिए पेस्ट तैयार है, बहुत अच्छा कलर दिख रहा है। इसे भी मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इधर जो बॉयल आलू है उसे मैं तोड़ लेती हूँ, बस ऐसे ही हल्का सा तोड़ लूँगी क्योंकि हाथ से मैंने नहीं तोड़ा था तो ऐसे ही मैंने तोड़ दिया उसे। और फिर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, इसमें खड़ा धनिया जीरा ये सब मैंने डाल दिया है हल्का सा। जब वो सौते हो गया है तो फिर मैं इसमें हरी मिर्च हरी लहसुन डाल के और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। और बहुत ही टेस्टी बना था, जितने भी आइटम मैंने बनाए थे काफ़ी अच्छा बना था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। तो अभी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसमें अभी मैं आलू डाल दूंगी, और जो मैंने आलू को तोड़ के रखा था बॉयल आलू है ये, तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं नमक हल्दी और गरम मसाला, ये पैकेट का गरम मसाला है जो बाहर मार्केट में मिलता है अशोक वाला वो है, तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ऊपर से धनिया डाल दिया है और कूट कूट के इसका एक बैटर बना लिया है। अब इसे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ केक चेक करते हैं केक की क्या स्थिति है। तो ये देखिए कितना अच्छा केक जो है वो फूल के आया है, बस हल्का सा इसमें थोड़ा सा 10 मिनट और लगेगा फिर ये केक जो है वो पूरी अच्छी तरीके से बेक हो जाएगा। साइड साइड से तो हो गया है, बीच में थोड़ा सा रह गया है, तो मैं उसे कवर करके फिर से छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए। और इधर पिज्ज़ा की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने ब्रेड पे सारा जो है मूंग की चटनी को अच्छी तरीके से लगा दिया है, फिर उसके ऊपर मैंने बारीक कटी हुई प्याज फैला दी है, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च फैला दिया है, टमाटर इसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहे तो बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे कि पनीर मशरूम कॉर्न, बहुत आइटम होते हैं आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और इसके ऊपर मैं चीज़ को ग्रेट करके डाल दूंगी, और देखने में आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। बच्चे पास में ही खड़े थे और वो ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे, मैं बना रही थी और वो देख देख के कि कब बनेगा और कब हम खाएंगे। तो अभी देखिए मैंने दोनों ब्रेड पे अच्छी तरीके से जो चीज़ है उसे डाल दिया है। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे जो पिज्ज़ा ब्रेड है वो तैयार करके रख लिया था। फिर मैंने तावे के जो है गरम कर लिया है, और ये रिफाइंड ऑयल है। बटर हो फ्रेंड्स तो आप बटर लगाइए, मेरे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर ये जो ब्रेड पिज्ज़ा है इसे मैंने तावे के ऊपर रख दिया है, और इसे कवर करके बस 5 मिनट के छोड़ूंगी। 5 मिनट में बिल्कुल ये बनके रेडी है, आप देख सकते हो बहुत कम टाइम में और बहुत झटपट बनने वाला ये स्नैक्स है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, आप देख सकते हो चीज़ जो है मेल्ट हो गया है। और अभी मुझे देखते हुए ना मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है कि मैं फिर से बना लूँ, पर अभी सामान अवेलेबल नहीं है।
फिर मैं लाऊंगी तो बनाऊंगी आपके साथ रेसिपी दोबारा शेयर करूंगी। और ब्रेड पिज्ज़ा भी जो है वो रेडी हो गया, मैंने उसे एक साइड में रख लिया है। और इधर जो आलू टिक्की का जो बैटर था उसका मैं एक टिक्की टाइप का बना लूंगी, गोल गोल करके उसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी तो ये टिक्की के आकार का बन गया है। और अभी मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है रिफाइंड का, वो भी गर्म हो गया है। तो अभी देखिए मैं जो बेसन का घोल बना के रखी थी उसमें मैंने आलू के बैटर के आलू की टिक्कियों को डिप करके मैं इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ और अब इसे सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लिया है। काफ़ी क्रिस्पी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था और सारे आइटम जो है क्रिसमस की पार्टी का वो रेडी है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब कुछ बनके रेडी है, केक, आलू चप और ब्रेड का पिज़्ज़ा। बच्चे तो इतना खुश थे, उनको चाहिए क्या, यही चाहिए होता है। तो अभी हम पहले केक कट करेंगे और रुपेश बहुत खुश है केक देख के, उसे केक बहुत पसंद है, उसे बाहरी आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है घर का छोड़ के। तो अभी देखिए सब कुछ बन गया है, एक मिनट ये देखिए। तो अभी हम केक कट करेंगे और ये देखिए आज मैंने अपने हेयर में ना ऑयल लगाया इसलिए मेरा बाल ऐसे चिपकू चिपकू लग रहा है। तो अभी भी बहुत खुश है और घर तो देखेंगे आप तो बोलेंगे घर दी आपका कैसे इतना गंदा है, दिखा रही हूँ एक मिनट। अब ये देखिए रुपेश अभी ये कंबल ओढ़ा था, वहाँ पे कपड़े रखे हैं फोल्ड करने के लिए, पर आज किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ना इस वजह से मैं घर को जो है क्लीन नहीं कर पाई हूँ। अभी हम लोग जब खा लेंगे उसके बाद से फिर घर को क्लीन करूँगी। आ जाओ रुपेश अभी टीवी ऑन कर रहा हूँ। रुपेश का फेस देखिए जरा, ये देखिए उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद ना, उसके जो चेहरे की स्माइल है वो बंद ही नहीं हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिसमस का केक कट करते हैं। आ जाओ रुपेश हम सब लोग कट करते हैं एक साथ मिल के, यहाँ बैठो तुम, यहाँ बैठोगे तभी तो काटेंगे हम लोग, यहाँ बैठो यहाँ बैठो। छवि तुम यहाँ रहो, आ जाओ बेटा छवि पकड़ो, आ जाओ एक मिनट मैं बैक कैमरे चलो। तो अभी देखिए फ्रेंड्स जब केक कट हो रहा था ना तो प्लेट ही आगे आ गया था तो फिर मैंने रुपेश से बोला तुम पकड़ लो और केक कट हो गया। आइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, पहले केक खिलाते हैं। और ये देखिए केक कितना अच्छा बना है ना। तो छवि यहाँ देखिए खाना भी शुरू कर दी है और आइए केक खा लीजिए आप, फिर उसके बाद ये ब्रेड का पिज्ज़ा खा लीजिए। ये सब जो है ना वो ठंडा हो गया है पर पकौड़ी जो है वो बिल्कुल गर्म है। तो चटनी के साथ शेजवान चटनी के साथ आइए पकौड़ी खा लीजिए, टिकिया हमारे यहाँ टिकिया बोली जाती है तो खा लीजिए, फिर हम लोग खाना शुरू करते हैं। तो आ जाओ रुपेश खाते हैं, आओ मुंह में डालते ही बोल रही अच्छा है, अभी खाई नहीं बोल रही अच्छा है, आओ रुपेश खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। तो मैं भी खाती हूँ फिर बताती हूँ आप सभी को कैसा बना है। वैसे तो अपनी चीजों का तारीफ सब करते हैं पर देखते हैं कैसा बना, आओ खाओ रुपेश। सच में टेस्टी है, बहुत टेस्टी है।